अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्ट लाइफ, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग भी डेली मामूल के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से होगा। जैसे कि उठे हैं और सारे मामला देखे हैं, और इसी तरह से जैसे आप सबको पता है कि इफ्तार की तैयारी में मैंने शमूलियत करनी होती है और आप सबको दिखाना होता है अपनी फैमिली को, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हैं, आपको दिखाना होता है कि आज हम क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, तो थोड़ा सा इंट्रैक्शन हो जाता है, थोड़ा सा फैमिली के साथ फ़न हो जाता है। तो इसी चीज़ को अभी रमज़ानुल मुबारक में हम कवर कर सकते हैं। मुख्तलिफ टॉपिक्स जो बीच में आते रहते हैं, जैसे कि अभी मैं बच्चे का अपने भतीजे का एडमिशन का देखने गया था, नाम आया कि नहीं आया वो भी आप देख चुके हैं, वीडियो आ गई होगी आपके पास। और इफ्तार पे गए थे कुछ दोस्तों के घर, वो भी आपके पास वीडियो आ गई। तो इस तरह की इंट्रैक्शन तो हम करते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल जो मामला होंगे वो इफ्तार से मुतलक ही होंगे। तो इसके लिए अभी मैं कुछ स्पेशल कॉन्टेंट तो मेरे पास नहीं है। अभी मेरी ट्रैवल सीरीज़ जो है वो इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बाद हम उसको लॉन्च करेंगे। बहुत तवील ट्रैवल है, 8-10 मुल्कों का ट्रैवल है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो मीनवाइल आप इसी रूटीन पे स्टे ट्यून रहिए मेरे साथ। तो आएँ अब आपको दिखाते हैं कि क्या चल रहा है, लेट्स गो। हम नीचे आ चुके हैं और हमें पता चल चुका है आज इफ्तार में क्या बन रहा है। तो इफ्तार में आज बनेंगे हमारे आलू पालक के पकौड़े, और बनेंगे हमारे साथ कुरकुरे चिप्स जो कि राउंड और लंबी शेप्स दोनों में बनेंगे, तो जैसे बच्चे पसंद करते हैं वैसे ही बनेंगे। तो अभी ऑयल हमारा हीट हो चुका है, तो अभी बेगम रेडी है, वो जो हमने आलू इन्होंने काट के रखे हुए ना उसके ऊपर हल्का सा बेसन लगाया, उसको जस्ट क्रंची करने के लिए, ज़्यादा बेसन नहीं लगाया। तो ये अभी मैं जाने लगा हूँ, आपको ले जाने लगा हूँ कढ़ाई की तरफ, और बेगम जो है वो डालेंगी उसमें चिप्स, वो देखते हैं कैसा फीलिंग आती है। ले जी, लाएं जी बेगम। ओहो हो, ओए ओए ओ, सारी डाल दिए। ओहो नाइस जी, फुल तेज गरम में हमने ये कुतरे हुए आलू डाल दिए हैं। ये देखिए ये सारे ऊपर आ गए, ये पापड़ी नुमा, अब इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे और ये रेडी हैं। बस इनको हमने हल्का सा कलर देना है, और ये क्रंची क्रंची किस्म के जो हमारे कुरकुरे फ्राइज कह लें वो रेडी हैं जी। अब डलने लगे हैं जी आलू पालक के पकौड़े, और क्या कहने क्या कहने। डालो जी डालो, डालो जी डालो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ओहो ओए हो, ओ ऑयल इस टाइम फुल ज़बरदस्त रेडी है, ऑयल बहुत ज़बरदस्त रेडी है। डालें जी डालें, जल्दी करो बेगम, क्या कर रही हो, जल्दी कर, सुबह पनवेल निकलने के, चीटे पा रही हो मेरे ऊपर बेगम, क्या कर रही हो, बदले कौन से ले रही हो मुझसे, अरे आते पैगी। आपको खिलाएंगे आज देसी लेज, होममेड हमारे घर के बने हुए। आहा हा, ये पोटैटो के ना हमने बारीक बारीक कतले काट छोड़े, ये बनने भी फटाफट जाने। ऑयल फुल रेडी है, बस एक एक करके डालें, इसमें ज़्यादा डालेंगे ना तो ये जुड़ जाएंगे। ओए ओए होए, हाथे फिर मेरे हाथे पाते ही बेगम, तेरे में दस ठहर जा जरा जी। तो डिशेस रेडी हो चुकी हैं, ये हमारे सताहा रहमान हैं, इनको बहुत शौक है कैमरा में आने का, आ गए। आज जो हमने डिशेस बनाई हैं वैसे तो बहुत कॉमन है, लेकिन मैं आपको आज कुछ खास चीज़ें चेक कराऊंगा जो कॉमन को हमने खास किया है। हमने घर में ऐसे चिप्स बनाए हैं जो ब्रांडेड चिप्स होते हैं ना, उनको हमने घर में बनाया, आप भी खाएं अपने बच्चों को भी खिलाएं, ये विल लव देम। तो मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ, अगर अब्बा जी बीच में से हाथ हटा लें ना दस्तखान पे ना, अब्बा जी कुछ कर रहे हैं वो हटेंगे, तो फिर ही मैं आपको भी दिखाऊंगा क्या आज हमने बनाया। तो ये जनाब हमारे पास है हमारी चना चाट, बड़ी खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी मक्के मदीने से आई हुई खजूर हैं, ये हमारे फ्रूट्स, ये हमारे पकौड़े, ये भी पकौड़े, और ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। अब ये चेक करना आपने, ये ना आपने इसकी आवाज़ चेक करनी है, ओ माय गॉड, क्रंचीनेस चेक किया आपने, और ये देखें इसकी भी आवाज़ आपने चेक करनी है, ओ माय गॉड। ये जनाब अपने घर में बनाए हैं, ये देखें ये ब्रांडेड चिप्स हैं जैसे होते हैं ना, ये वो चीज़ है, आप बनाएं अपने बच्चों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, इंजॉय करें। तो ये थी आज की हमारी इफ्तार, बहुत कॉमन बहुत रेगुलर। आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।